हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बेट। सो इस वीडियो में हम सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है और इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बस उसमें से याद कर जाना है और क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। सो देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड हमें देखने हैं। इसका क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कंट्री का या एरिया का मोस्ट प्रोबेबली आपको नाम देंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रायरीज है, तो आपको नॉर्थ अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है या ग्रासलैंड का नाम क्या है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ऑप्शन देंगे आपको प्रायरीज लगाना है, या फिर आपको क्वेश्चन देंगे कि प्रायरीज जो ग्रासलैंड है वो किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री में पाया जाता है या होता है, तो उस हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको रिमेम्बर रखने हैं, आपको एक तरीके से याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ट्रांस ह्यूमेंस की सीजनल मूवमेंट लोगों का होता है, जैसे कि हम देखते हैं मूवीज में भी दिखाते हैं, और सर्दियों में कुछ चरवाहे वगैरह हैं वो अपने एनिमल्स वगैरह लेकर ठंडे एरियाज से गर्म एरियाज में आते हैं, जो उनके हर्ड्स वगैरह होते हैं उनको चारा मिले इस वजह से और वेजिटेशन मिले। उसके बाद ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। फिर ब्रोमेलियड्स, ये टर्म आपको याद रखना है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स जो कि अपनी लीव्स में पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। प्रायरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर ये दो ट्राइब्स हैं, हमने इसमें सिर्फ एनसीईआरटी की ही जो मेंशन है फैक्ट्स वगैरह वही लिए हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं कुछ, कि रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है, एंडी साउथ अमेरिका में, ऐसे एल्प्स हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में है। फिर ईस्टर्न यूरोप में कार्पेथियन माउंटेन्स है, ये रोमानिया साइड, रोमानिया सर्बिया। फिर कॉकसस माउंटेन्स है जो कि रशिया और थोड़ा सेंट्रल एशिया में अजरबैजान और ये जॉर्जिया कंट्रीज में आता है। फिर अपैलाचिन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, कोलोराडो वगैरह में आता है ये। यूराल माउंटेन्स रशिया में, और एटलस माउंटेन्स हमारा मोरक्को और अल्जीरिया में, नॉर्दर्न अफ्रीका में आता है। तो ये आपको कुछ याद रखना है। इसके बाद हमने वाटरवेज लिए हैं, ये पहले तीन वाटरवेज पुराने वाटरवेज हैं, अभी तो नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में पास हुआ था, उसमें कुछ 111 वाटरवेज पास करे हैं सरकार ने, 111 और 116, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर आपको ये याद रखने हैं। इसमें से नेशनल वाटरवे 1 पे आ सकता है कि नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, ठीक है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र पे वाटरवे 2 है, केरला में नेशनल वाटरवे 3 है, केरला में बैक वाटर वगैरह में जाते भी हैं, तो वहाँ पे हाईवेज भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन हाईवेज का भी नया नेमिंग कन्वेंशन आया है जो कि अभी आया है बहुत ही रिसेंटली। उसके हिसाब से सारे हाईवेज के नंबरिंग चेंज हो गए हैं, अब रीजन के हिसाब से हो गए, तो इस पर क्वेश्चन आने का बहुत ही रिमोट चांस है, तो आप हाईवेज को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि पुराने जो हाईवेज थे वो फेमस हाईवेज भी थे, याद भी थे, उस हिसाब से अपना होता था, बट अभी चेंज हो चुका है तो उन्हें करने की कोई ऐसी नीड नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस से देख के, info@gmail.com, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।